दिस इज़ रियली रियली नाइस बट अब हमें ज़रूरत है बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का नंबर वन रूल होता है एग्जाम लिखो और उसको भूल जाओ सो मेन्स एग्जाम ओवर हो गया है नाउ इट इज़ टाइम कि अब हम मेन्स को आगे बढ़ें और हम जो नेक्स्ट साइकिल है जैसे इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और नेक्स्ट जो प्रिलिम्स एग्जाम है उसकी भी साइमल्टेनियसली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए सो so, ऐसा नहीं है कि मेन्स ओवर हो गया तो हम पढ़ाई बंद कर दें स्पेशली जिन्होंने अभी मेन्स लिखा है मीन्स ओवर हो गया है तो अब हम इंटरव्यू की तैयारी करें और साइमल्टेनियसली प्रिलिम्स 2024 की प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है ओके सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस अब प्रिलिम्स को हम बहुत सिंसियरिटी के साथ नेक्स्ट जो अपना प्रायोरिटी रहेगा वो प्रिलिम्स एग्जाम रहेगा अभी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी ओके सो दिस इज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर टू नेवर गिव अप ऑन समथिंग यू रियली वॉन्ट इट इज डिफिकल्ट टू वेट बट यू नो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिग्रेट तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए डिफिकल्ट टू वेट इज ओके बट देर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट्स सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स सी वॉट टू सेलिब्रेट सेलिब्रेट क्या करना चाहिए क्या केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर ऑर्डिनरी डेली प्रोग्रेस भी सेलिब्रेट करनी चाहिए Our success is not determined by our achievement of the extraordinary, but by our ability to show up day in, day out, and lay one new brick in our life's wall. Study full throttle. Every day means every day. Aaj hai September 25th, hamare paas approximately 8 to 9 months of time hai. अगर इन आठ नौ महीनों में आपने फुल सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई किया आपका हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी एग्जाम क्वालिफाई होगा और दिस इज अवर टारगेट ओके सो so आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और हमें फुल थोटल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना है यस इलेवन एवन वन वन एक एंजल नंबर होता है वन वन इज टेलिंग यू टू बिगिन टू बिगिन नाउ एवरी आपके लिए अलाइंड है नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन स्टार्ट नाउ ओके सो दिस दिस इज इज डेली क्विज क्वेश्चन नंबर सवाल है पद्म अवार्डस, पद्म अवार ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पी एस यूज आर एलिजिबल फॉर दीज अवार तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं सरकारी अधिकारी सरकारी नौकर होते हैं वो इवन जो पी एस यूज में भी काम करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो एलिजिबल हैं फॉर दीज अवार्ड्स इज इट ट्रू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पी एस यूज आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट अ पोटेंशियल रेसिपियंट एंड वन कैन इवन नॉमिनेट वन ओन सेल्फ मतलब हम खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं हम किसी और दूसरे इंडियन सिटीजन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज अमंग द मेन कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग द अवार्ड तो पद्म अवार्ड्स होते हैं इसमें लाइफ टाइम वर्क ऑफ अ पर्सन भी रिकोगनाइज किया जाता है सो दिस इज पद्म अवार्ड्स ये कॉन्टिन्यूस रहे हैं बीच में कुछ साल में डिसकन्टिन्यू हो गए थे बट फिर मोर लेस ये सिविलियन अवार्ड्स कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड सिविलियन अवार्ड्स सो पद्म होता है पद्म भूषण होता है पद्म विभूषण होता है सो दीज आर पद्म अवार्ड्स तो इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट में केवल साइंटिस्ट्स और मेडिकल डॉक्टर्स केवल वो ही गवर्नमेंट जॉब्स में जो साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो ही एलिजिबल है बाकी नहीं है गवर्नमेंट आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो दिस इज ट्रू और लाइफ टाइम अचीवमेंट भी यहां पे कंट्रीब्यूट किया जाता है सिग्निफाइड होता है सो द राइट आंसर इज ओनली टू ओनली टू ओके यस yes, करेक्ट इसमें केवल दो है पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वंडरफुल ये क्वेश्चन नंबर टू है ये वर्ड बहुत न्यूज में आजकल चल रहा है दिस जनरली यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ बायोम सी बी से बायो बी से बायोम यहां भी एम है यहां भी एम है सो so, इसका मतलब होगा बायोम इज बायोमार्कर ये बता रहा है कि वेस्टर्न घाट्स की अभी एक लेटेस्ट कॉमिटी आई है तो वेस्टर्न घाट्स में जो बायोम है वो श्रिंक हुआ है या एक्सपैंड हुआ है सो इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बायोम है ना सिमेट्री एट द सिमेट्री यहाँ भी बायोम यहाँ भी बायोम नो सो द राइट आंसर कुड बी ओके बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम क्या ये बायोडाइवर्सिटी भी होता है डिसीज इज एन डिसीज इन एन ऑर्गेनिज्म की बात है राइट आंसर टेल वॉट इज द राइट आंसर सी बायोम का मतलब होता है बायोलॉजिकल मार्कर ये जो बायो मार्कर होते हैं इससे हम डिसीजेस को आइडेंटिफाई करते हैं सो दिस इज डिसीजेज इन एन ऑर्गेनिज्म का इंडिकेटर है हम बायो बायोमार्कर्स की हेल्प से पर्टिकुलर डिसीजेज है जिससे बहुत सारी डिसीज होती है उनको आइडेंटिफाई करने पर हम बायो बायोमार्कर्स का यूज करते हैं सो दिस इज सी दिस इज सी डिसीज इन एन ऑर्गेनिज्म ओके यस सो क्वेश्चन नंबर थ्री अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की भाषा क्या होती है वॉट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर वर्किंग बट नॉट एबल टू जनरेट एनी इनकम मतलब आप वर्क तो कर रहे हो बट उससे पैसा जनरेट नहीं हो रहा है अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट इज लार्जली फेल टू क्रिएट गुड जॉब्स इन द मार्ट तो मार्केट में अच्छे जॉब्स होना भी जरूरी है क्वालिटी जॉब्स भी होना चाहिए अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिंग रेट ऑफ वेजेज बट कुड नॉट गेट द जॉब सो नन ऑफ द स्टेटमेंट ये सारे के सारे गलत है आजकल यूपीएससी डी ऑप्शन मतलब नन ऑप्शन को काफी प्रेफर कर रही है यू you नो know? तो नन ऑफ द स्टेटमेंट है मतलब ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत सो व्हाट इज द राइट आंसर द राइट आंसर हियर इज द राइट आंसर हियर इज सी देखो अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है यस यू आर विलिंग टू डू अ जॉब बट आपको वो नौकरी नहीं मिल रही है दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक रिपोर्ट आता है जिसमें भी ये बताता है कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है कितना हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को भी यस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाइल डैम्स ये डैम्स हैं डैम्स आर डिजाइन फॉर वाटर स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑन अ लार्जर स्केल बैराजेस आर प्राइमरली यूज फॉर फ्लो कंट्रोल एंड वाटर डाइवर्शन सो आंसर वॉट इज इज इट ट्रू एक होता है डैम एक होता है बैराज एक होता है बैराज सो ये डैम है ये बैराज है जैसे कोटा बैराज यार्लुंग सैंगपुर रिवर ब्रेक्स थ्रू द हिमालयस इन ग्रेट गॉर्जेस ऐसे गॉर्ज होती है स्टीप वॉल एंड एंटर इन टू अरुणाचल प्रदेश वेर इट इज नोन एज दिहांग या फिर सियांग सो आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है तो जो डैम्स होते हैं डैम का पर्पज ही होता है वाटर स्टोरेज दिस इज एप्सोलूटली ट्रू यस फरक्का बैराज इज ऑल्सो वन बैराज सो दिस इज वाटर स्टोरेज पर रेगुलेशन लार्जर स्केल पे होता है बैराज यूजुअली छोटे होते हैं फ्लो कंट्रोल और वाटर डाइवर्जन में ज्यादा यूज होते हैं सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू सेकंड भी ट्रू है यार्लिंग है हिमालय में और फिर दिहांग सियांग बनती है ये जब इंडिया में आती है और फिर ये रिवर्स मिलके बनाती है ब्रह्मपुत्र जब वो प्लेन पे आ जाती है सो द राइट आंसर इज सी बोथ वन एंड टू राज्यसभा की बात करते हैं एनी बिल पास बाय द लोकसभा एसेंट ऑफ द राज्यसभा टू बिकम अ लॉ कोई भी बिल जो लोकसभा में पास हुआ है उसको राज्यसभा की भी एसेंट चाहिए तब जाके फिर जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया वो राज्यसभा ने भी पास किया और फिर वो गया प्रेसिडेंट मैम के पास और प्रेसिडेंट मैम जब उसको साइन करेगी तो बिल विल बिकम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी वन थर्ड ऑफ इट्स में रिटायर एवरी सेकेंड ईयर एंड बायनियल इलेक्शन आर हेल्ड टू फिल दीज वैकेंसीज तो राज्यसभा एक कॉन्टीन्यूस हाउस होता है सिक्स ईयर्स का टर्म होता है एक मेंबर का और हर दूसरे साल एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई ऐसे रिटायर होते हैं दो दो साल में तो छः साल में वो नई फ्रेश साइकिल आ जाती है बाय पोल्स आर नॉट हेल्ड इन द केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन सो बाय पोल्स क्या होते हैं कभी कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ से रेजिग्नेशन या फिर डेथ और फॉर सम अदर सम अदर रीजन तो वहां बाय पोल्स होते हैं वो केवल लोकसभा में होते हैं बायपोल्स राज्यसभा में नहीं होते हैं सो so आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सो ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री या फिर नन सो so इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सी

बाईपोल राज्यसभा में भी होते answer? Five हैं सो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग सेकेंड इज ट्रू सो द राइट आंसर इज ओनली वन वेरी गुड सो आउट ऑफ फाइव कितने करेक्ट हुए साइमल्टेनियसली ऐसे ही फाइव एम सी क्यूज हम टेलीग्राम चैनल पे भी देख रहे हैं तो सॉल्व दीज फाइव एम सी क्यूज एज वेल ओके सो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वेबसाइट सृजन इंडिया डॉट वन पे मिल जाएगा इंग्लिश की बात करते हैं रेस्पेक्ट respect. देखो रेस्पेक्टफुल होना बहुत अच्छी चीज होती है वी शुड बी रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्टफुल सी रेस्पेक्ट का दूसरा वर्ड हो सकता है रिगार्ड रेवर अपहोल्ड वैल्यू अडोर फॉलो नोट हीड ऑनर नोटिस शो स्पेयर एडहेर टू एप्रिशिएट कर रहे हैं हम रिकोगनाइज कर रहे हैं रेवरेंस है वेनरेट है अबाइड बाय अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज डेफर टू टेक इन टू अकाउंटीम वी कैन सेव गुड ओपिनियन हैुक अप ऑब्जर्व सो दीज आर ऑल डिफरेंट वर्ड जो हमारी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्पेशली जब आप ऐसे लिखते हैं तो सच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ वर्ड्स अगर हम यूज करते हैं और कनेक्टर्स यूज करते हैं तो हमारी राइटिंग ब्रोकन नजर नहीं आती एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस वन पैराग्राफ टू सेकेंड पैराग्राफ इसमें एक फ्लो नजर आता है और ये क्रिस्प और इफेक्टिव इफेक्टिव राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है सो लर्न दीज वर्ड्स ये आंसर राइटिंग है आज से आंसर राइटिंग हम रिज्यूम कर रहे हैं मेन्स इज ओवर बट दैट ड मीन कि हमने आंसर राइटिंग बंद करना है आंसर राइटिंग इज समथिंग जो डेली बेसिस में होना चाहिए सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोविंग्स पहला है विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 जो भी आया है इस पर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए इंडिया भूटान अपना इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ में भूटान का नंबर था चाइना हो गया था सो आज हम इंडिया भूटान रिलेशंस देखते हैं फिर अंडमान एंड निकोबार जोग्राफ़ी हमें बनानी है अंडमान एंड निकोबार दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का अच्छे से मैप ड्रॉ करिएगा इनके जितने भी जोग्राफिकल यहाँ पे वॉल्केनोज कौन से हैं टेन डिग्री चैनल कौन सा है यहाँ पे ट्राइब्स कौन सी है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है थ्रेट क्या है अच्छा भूटान भी हो गया है सो नेक्स्ट क्या है म्यांमार हो गया था म्यांमार म्यांमार हो गया है नेपाल हो गया है चाइना हो गया है पाकिस्तान हो गया है अफगानिस्तान हो गया है श्रीलंका नहीं हुआ है श्री मालदीव्स कर लेते हैं चलो इंडिया मालदीव्स कर लेते हैं सो दिस इज इंडिया मालदीव्स ओके दिस इज इंडिया मालदीव्स सो दिस इज इंडिया मालदीव्स तो आज का सवाल है इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस और अंडमान एंड निकोबार की जोग्राफी और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 तो एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए इन तीनों टॉपिक्स में और उसको शेयर भी करिए जब हम शेयर करते हैं तो हमारा हमें रिकोगशन मिलता है और हम ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं सो ऑलवेज शेयर योर वर्क इससे आपको एक कॉन्टीन्यूटी आएगी ओके सो दिस इज आंसर राइटिंग आज मैं मैथ्स का भूल गया कल से मैथ्स भी स्टार्ट करते हैं दिस इज प्रस वन दिस इज प्रिलिम्स वन प्रिलिम्स वन एक इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं बाय दिसंबर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे जोग्राफी एनवायरमेंट पॉलिटी इकोनॉमी एंड हिस्ट्री अब मैं प्रिलिम्स को बहुत प्रायोरिटी से लूंगा सारी क्लासेस अभी प्रिलिम्स में डाइवर्टेड होगी ओके okay? सो so, दिस इज प्रिलिम्स इसमें अभी 12 बजे सी सेट देख रहे हैं प्रैक्टिस इंडियन पॉलिटी हम शाम को 9 बजे पढ़ रहे हैं और एक जो नया इनिशिएटिव है लाइब्रेरी वन जिसमें काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी रूम्स होंगे नोट्स डायरेक्शन डेली टारगेट्स मेंटोरशिप एटसेट्रा ये स्टार्ट होगा और सेकेंड सिविल सर्विसेज वन फाइनली अभी स्टार्ट होगा मैं फर्स्ट ऑफ अक्टूबर सेकेंड ऑफ अक्टूबर सिविल वन स्टार्ट हो जाएगा, ओके सो दिस इज अवर लाइक न्यू इनिशियटिव अब हम सोशल मीडिया अपडेट पे आते हैं सी। जूट वॉल हैंगिंग अब देखो ये जूट है तो दो फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक है कॉटन कॉटन कहाँ पे मिलता है गुजरात महाराष्ट्र इधर कॉटन है और वेस्ट बंगाल तरफ मिलता है जूट वेस्ट बंगाल तो जूट वॉल हैंगिंग है ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें हाथ से बनाया जाता है और घर की साथ सज्जा में काम आता है यस yes. तो ये जूट वॉल हैंगिंग है इसको बहुत ही खूबसूरती से हिंदू देवी देवता घर जंगल पशु पक्षी आदि के डिजाइन बनाए जाते हैं सो so ये वॉल हैंगिंग है इसमें विभिन्न रंगों से जीवंत ही नहीं होती बल्कि रंगीले रंगों से बुने होने के कारण मजबूत भी होती है सो दिस इज जूट जूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब कहलाते हैं फाइबर्स फाइबर्स अब आप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब आपने कॉन्सेप्ट रखा था एकात्म मानववाद का एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता है आप सो दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के प्रणेता क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन फ्रीडम फाइटर को फर्स्ट वुमन टू हॉइज द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरन सॉइल आई ऑथर्ड रिवोल्यूशनरी वर्क लाइक बंदे मातरम आई कॉल्ड मैडम कामा तो आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है इंडियन फ्रीडम फाइटर नाम क्या है इंडियन फ्रीडम फाइटर का आइडेंटिफाई द पर्सन देन अभी रायनो डेता दिस इज राइनो राइनो यूपीएससी का फेवरेट है हर दो तीन साल में सवाल आ जाता है राइनोज आर स्पेशल क्रीचर्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इकोसिस्टम अभी वर्ल्ड राइनो डेता बाईस सितंबर दो को

इंडिया में राइनो किन सारे राज्यों में मिलते हैं प्रलिम्स का सवाल है क्या केवल ये असम में ही मिलता है पोबीतारा सेंचुरी में या फिर काजीरंगा में ही मिलता है या फिर जो वन हॉर्न राइनोसोरस जो इंडिया में है ये और कहाँ मिलता है और ये जो हॉर्न है ये जो हॉर्न है ये किस चीज का बना होता है कैन यू आंसर ये जो हॉन्ड है, है जो इंडियन राइनोसोरस है ये वन हॉर्न है अफ्रीकन राइनोसोरस पे टू हॉर्न्स होते हैं सो तो ये राइनो का जो हॉर्न है ये किस सब्सटेंस का बना होता है आंसर सो दिस इज राइनो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी एक नया टाइगर रिजर्व बना है। this is वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तो फ्रीडम फाइटर को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये नौरा दही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी है और ये पूरा एरिया जो है दिस इज कॉल्ड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कोर एंड बफर एरिया ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टाइगर रिजर्व जानना इसके लिए आप सिंपली एक बार विकीपीडिया पेज देखो इसमें ये सारे टाइगर रिजर्व है बांदीपुर कॉर्बेट कान्हा सी स्टेट वाइज सारे टाइगर रिजर्व दिए हुए और जैसे अभी प्रपोज्ड कौन से हैं रानीपुर कहाँ पर है ऑल दीज टाइगर रिजर्व आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टाइम बाद हम इसका मैपिंग देखेंगे सो so, ये हो गया टाइगर रिजर्व निप्पा वायरस अभी न्यूज़ में है ऑल इसका थ्रेट अभी सबसाइड हो रहा है पर निप्पा एक जूनोटिक डिसीज़ है जो ह्यूमंस में ट्रांसफर हुई है थ्रू एनिमल्स एनिमल्स में भी इन्फेक्टेड बैट फ्रूट बैट सो ये ट्रांसमिट कैसे होती है नेचुरल होस्ट इसका फ्रूट बैट है बट फ्रूट बैट में इम्यूनिटी होती है तो वायरस उसको इम्पैक्ट नहीं करता बट अगर हम फ्रूट बैट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये वायरस जम्प हो जाता है हमारे अंदर ब्लड सलाइवा यूरिन फ्रूट पाम्स एप एनिमल से भी इसके सिम्टम्स हैं फीवर हेड एक और इपिलैपसी नो वैक्सीन फॉर एनिमल्स और ह्यूमंस है और ट्रीटमेंट में हम सपोर्टिव केयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो ये जो निप्पा वायरस है इट इज़ नॉट एज ट्रांसमिसेबल एज कोविड नाइन्टीन बट ये ज़्यादा डेडली है इसमें इंजुरी इसमें लाइक का सरवाइवल रेट कम है सो दिस इज निपा वायरस इंडिया का ये मैप है और ये बड़ा ब्यूटिफुल मैप है क्लाइमेट चेंज के कारण ज्योग्राफिकल रीजनस इन इंडिया में क्या रिस्क फैक्टर दिखने को मिल रहा है तो सी जैसे ये है थार डेजर्ट दिस एरिया दिस एरिया इज कॉल्ड थार डेजर्ट तो ये क्या है ये थार है फोर क्रॉस फोर सो दिस इज थार डेजर्ट सो so थार डेजर्ट पे हीट वेव ज़्यादा आती है फिर ग्रेट हिमालयाज़ है ग्रेट हिमालयाज रीजन कौन सा है दिस इज ग्रेट हिमालज रीजन ये जितना भी वॉयलेट uh, शेड में दिख रहा है दिस इज ग्रेट हिमालय रीजन ग्रेट हिमालयाज में क्या प्रॉब्लम है लैंड स्लाइड्स हैं क्लाउड बर्स्ट है और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है फिर आता है इंडो गैंगेटिक प्लेन इंडो गैंगेटिक प्लेन है ये ग्रीन वाला जोन तो देखो ये फिजियोग्राफिक जोन है इंडिया के ये ग्रीन इंडो गैंगेटिक बेल्ट है दिस इज ग्रीन इंडो गैंगेटिक बेल्ट इंडो गैंगेटिक बेल्ट में ट्रबल्स क्या आ रही है रिवर फ्लड्स आ रहा है हीट वेव्स आ रहा है थंडर स्टॉम आ रहा है सिमिलरली ये जो एरिया दिख रहा है ये कोस्टल एरिया है हमारा कोस्टल इंडिया है इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है आंसर सो कोस्टल प्लेन्स और घाट्स में हैवी प्रेसिपिटेशन है अर्बन फ्लड्स है साइक्लोन्स है और लैंडस्लाइड्स है और बात करें अगर सेंट्रल इंडिया की तो सेंट्रल इंडिया में हीट वेव है फॉरेस्ट फायर है और ड्रॉट है सो so सी ये जोग्राफिकल क्लाइमेट जोनस है इंडिया के दिस इज हिमालय इंडो गैंगेटिक थार डेजर्ट कोस्टल एरिया और सेंट्रल इंडिया और यहाँ पे इतनी सारी आपको क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क एटसेट्रा देखने को मिल रहा है सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज पेपर में सो दिस इज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एवरी डे मीन्स एवरीडे आधार अनर रिलायबल इन हॉट ह्यूमड इंडिया रेटिंग एजेंसीज ऐसी जो न्यूज़ आती है ना इनको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते हैं बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या होती है टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है आज से कुछ टाइम पहले क्या किसी ने सोचा था यू पी आई पेमेंट इतना इफेक्टिव हो जाएगा आज की डेट में आप वेजिटेबल वेंडर्स जाओ इवन टेम्पल्स में जाओ एवरीवेयर हर जगह आपको यूपीआई का एक क्यू कोड मिल जाता है आप इवन आप जो हेयर कट सलून में जाओ एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस यूपीआई का क्यू कोड तो सी टेक्नोलॉजी ने चीजें कितनी कन्वीनियंट कर दी बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि टेक्नोलॉजी शुरू में डिफिकल्ट रहती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से सॉल्यूशन निकालते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा है देर इज नो डाउट कि चैलेंजेस हैं आधार में बट द पॉइंट इज कि हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है वी आर प्रो टेक्नोलॉजी आधार इन इन हॉट ह्यूमिड इंडिया रेटिंग एजेंसी ने बताया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम इसके रिला्यूशन फाइंड करेंगे तो बेसिकली यहां पे ये लिखा है कि डिजिटल इंफ्रा का पुश है हम डिजिटल इंडिया को बढ़ा रहे हैं मूडी एक रेटिंग एजेंसी है इसने कहा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है इसमें एट टाइम्स ग्लिचेस आ जाते हैं ग्लिचेस क्या आते हैं जैसे आधार है जैसे सीनियर सिटीजन वर्क ज्यादा कर रहे हैं उनके फिंगर ब्लर हो जाते हैं तो वो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा कई बार आधार में सर्वर्स डाउन है फ्रॉड्स भी हो सकते हैं सो आर आर चैलेंजेस बट वी नॉट अगेंस्ट आधार इट क्वेश्चंस रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी वॉन्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क सो सी ग्लोबल रेटिंग मेजर है मूडी इन्वेस्टर इसने फ्लैग किया है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वलनरबिलिटीज को जो सेंट्रलाइज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे इंडिया के आधार प्रोग्राम में देखने को मिलती है इसमें अक्सर सर्विस डिनाइल्स हो रहे हैं मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है सर्विस व्हाई बिकॉज इंडिया में एक तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है और दूसरा टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है तो आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम भी है या सर्विसेज हैं उसमें डिनाइल ऑफ सर्विसेज काफी कॉमन हो जाता है सो so, जो वेरिफिकेशन है फिंगरप्रिंट से होता है आयरिस से होता है और फेस भी रिकोगशन होता है तो तीन बायोमेट्रिक आधार में आते हैं आपका फिंगरप्रिंट आपका आयरिस आंखों का और फेशियल रिकोगशन भी आता है और इसमें जैसे ओ करना है बट एट टाइम्स ओटीपी टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहा है सो देर आर चैलेंजेस हर्डल्स हैं और इससे क्या होता है बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है आधार जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो कर रहा है यू आई डी ए आई वॉट इज यू आई डी ए आई द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करती है आधार को यस yes. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं मार्जिनलाइज ग्रुप में हमको जैसे एम नरेगा में पेमेंट देना है हमें वेलफेयर स्कीम में पेमेंट देना है तो हम हर जगह आधार रिलेटेड रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन की कोशिश करते हैं बिकॉज आधार में डुप्लीकेशन नहीं हो पाता अब देखो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर जिसको फ्रॉड करना है वो तो फ्रॉड का रास्ता निकाल ही लेते हैं बट इन जनरल आधार इनेबल्ड वेरीफिकेशन से फ्रॉड्स काफ़ी कम हो गए घोस्ट जो आइडेंटिटीज होती थी घोस्ट नंबर्स होते थे उनमें काफ़ी कमी आई है सो वेलफेयर बेनिफिट एक्सेस इससे बेहतर हुआ है सिस्टम में कई बार सर्विस डेनाइल है टेक्नोलॉजी क्या इतनी मैच्योर नहीं हुई है ऐसे सवाल है बट हम इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं आधार बेस्ड पेमेंट है फॉर लेबरर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसमें जैसे टाइमली पेमेंट में चैलेंजेस आए कई बार वहाँ पे हमने ड्रोन्स के थ्रू उनका वेरिफिकेशन भी कराया सोशल ऑडिट भी कराया इन सब से भी चैलेंजेस है बट इन जनरल जो हमारा लाइन ऑफ थॉट होगा वी आर नॉट अगेंस्ट आधार सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है 1.2 बिलियन इंडियन रेसिडेंट्स को इसमें इंक्लूड किया है अब आप बताओ किसी के पास आधार कार्ड है तो क्या उसकी सिटीजनशिप इंडियन हो जाएगी अगर एनी पर्सन इज हैविंग द पोजिशन होल्डिंग दिस आधार तो क्या वो आधार मतलब उसके पास आइडेंटिटी हो गई उसमें इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंप लग गया तो वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा नो नो और यस नो आधार इज नॉट अबाउट सिटीजनशिप आधार इज जस्ट अबाउट टेलिंग कि ये पर्सन ये है बस अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं ए हूं तो आधार उसको वेरीफाई कर देगा कि दिस पर्सन इज ए दैट्स ऑल बाकी आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप प्रूफ ऑफ़ रेसिडेंस नथिंग सो दैट इज वाई यहाँ पे आधार के बारे में सवाल उठाए मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन हायर स्टडीज में नॉट सूट इंडिया हाउस पैनल ने बताया देखो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है इसमें ऐसा प्रोविज़न है कि तीन साल की डिग्री है हम एक साल पढ़ें फिर हमें ब्रेक लेना पड़े फिर आफ्टर सम टाइम हम रिज्यूम कर लें तो इस पर हाउस पैनल ने बोला इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें यह करेक्ट नहीं होगा ऐसे करके आर्ग्यूमेंट्स दिए कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में इतना इतनाबल नहीं होगा दिस इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी देन सी हिटिंग 95 कवर विद वैक्सीन पार्लियामेंट्रीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे साइमल्टेनियस पोल केरला टू डिसाइड सून ऑन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस टू रिवाइज ओबीसी लिस्ट क्राइसिस इन नागपुर सो इंडियन आर्मी पर्सनल यहाँ पर आ गए हैं और ये रेस्क्यू कर रहे हैं फ्लड एरिया में क्योंकि हैवी रेन लैश हुआ नागपुर में इंटेंस शॉवर यहाँ पर था और फ्लडिंग अब देखो ये कौन सा फ्लडिंग है ये है अर्बन फ्लड दिस इज कॉल्ड अर्बन फ्लड रिमेम्बर समटाइम्स बैक हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसी टॉपिक को देखा था अर्बन फ्लडिंग और ये टॉपिक फ्लड और जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं अभी मेंस में भी एज इट इज सवाल आया है एज इट इज सवाल आया है तो जैसे ही अर्बन फ्लडिंग हो रहा है इसमें हमें इमीडिएट क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप अभी नागपुर के ही अथॉरिटी हो आप नागपुर के वहाँ पे डी सी हो वहाँ पे अब आपको ऐसा फ्लडिंग हो रहा है तो इमीडिएट आप तीन स्टेप्स क्या लोगे सपोज क्राइसिस इन नागपुर है नागपुर में आपकी पोस्टिंग है एंड यू आर द अथॉरिटी ओवर हियर आपके शहर में ऐसे डिस्ट्रेस कॉल आ रहे हैं जैसे देखो ये कॉलोनी है कॉलोनी में देखो गेट में पानी भर गया है बच्चे हैं इस फोटोग्राफ में आपको क्या क्या हैजार्ड्स नजर आ रहे हैं ये बताइए इस फोटोग्राफ में क्या सारे हैजार्ड्स हैं क्या सारे चैलेंजेस हैं और इस फोटो को देख के आप क्या सजेशन दोगे लेटेस्ट डू दिस एक्सरसाइज एवरीबॉडी ये आपको एक फोटो आया और इस फोटो में ये नागपुर का ये सिचुएशन दिया हुआ है अब आपको डिसीजन लेना है यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर इस फोटो को देख के आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो हेज़ार्ड्स हेजार्ड्स मतलब जो और डिज़ास्टर हो सकता है जैसे ये बच्चा देखो यहाँ पे है क्या आसपास कोई इलेक्ट्रोक्यूशन का तो थ्रेट नहीं है यहाँ पे पानी भर गया है तो पानी भरने के कारण जल भराव से डिसीजेज हो जाती है यहाँ पानी भर गया है तो यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स निकल के आ जाएंगे स्नेक्स आ जाएंगे स्नेक बाइट के केसेस आ जा जाते हैं ये पानी भर गया है तो यहाँ पर वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाएंगी अब देखो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी हैं यहाँ पे और बच्चे भी हैं ये बच्चे ज्यादा ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो हम वहाँ पे क्या करें अब क्या यहाँ पे जो हमारे जवान यहाँ पर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं क्या हमें और फोर्स यहाँ पे लगाने की जरूरत है क्या इनको और गैजेट्स देने की जरूरत है क्या फिर और रिसोर्सेज हम यहाँ पे डाइवर्ट करें थिंक ऐसे हमें सोचना आना चाहिए और यही चीज एक्चुअली में मेंस में काम आती है इम प्रम्प थिंकिंग एंड इम प्रम क्रिटिकल एनालिसिस करना यस yes. यस yes. तो और और बताइए यहाँ पे अब देखो ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है कॉलोनीज दिख रही है यहाँ पे ये यह बिल्डिंग्स है उनके घर हैं घर में पानी घुस रहा है तो हमें इवैक्यूएट भी कराना पड़ेगा फिर उनको रिसेटल भी कराना पड़ेगा अब बिकॉज पानी अगर घर के अंदर घुस के आए तो उनको एसेंशियल चीज़ें घर पे भी नुकसान हुआ होगा जो उनके लाइक लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या फिर उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा है हमें वार्निंग इशू करनी पड़ेगी और प्लस क्यों ना हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें Somebody से ड्रोन ड्रोन्स बोलो यहाँ पे हम ड्रोन्स के थ्रू ऊपर अच्छे से मोनिटर करें कि डायरेक्शन किस जगह पे आ रहा है हम क्विकली वाटर को पम्प के थ्रू भी पम्प होते हैं ना एक पम्प होते हैं मोटर पम्प होते हैं उससे हम मशीन लगा के ऐसे ए पाइप्स के थ्रू वाटर को बाहर थ्रो करवा सकते हैं तो उससे क्या होगा जल्दी से सारा पानी यहाँ पे ड्राई हो जाएगा ऐसे बहुत सारे आइडियाज हमें सोचना है यस फूड एक्सेस देना पड़ेगा यानी इमीडिएट फूड पैकेट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं मेडिकल हेल्थ पोर्टेबल वाटर वेरी गुड हरजिंदर पीने का पानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी एवरीवेयर बट पीने का पानी का है सो so, पीने का पानी हमें यहाँ पे वाटर बॉटल्स वाटर पैकेट्स फूड मेडिसिन एरियल एग्जामिनेशन करें ड्रोन्स के थ्रू मैन होल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उससे क्या होगा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वो विजिबल है नहीं मैन होल में एक्सीडेंट हो सकता है तो सी देर आर सो मेनी पॉइंट्स दिस इज हाउ वी शुड डू एनालिसिस दिस इज हाउ वी शुड रीड न्यूज तो सी ये क्राइसिस इन नागपुर है और इसमें हमें जितनी भी न्यूज आती है ना उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखना है अपने सिलेबस से कनेक्ट करके देखना है गुड वेरी गुड वेरी गुड सो दिस इज क्राइसिस इट नाक दिस इज लैंड अराउंड असम मोनेस्ट्री टू बी रिजर्व फॉर इंडिजिनस पीपल अब ये नेक्स्ट है एजुकेशन प्लस में है द पब्लिशिंग कॉनन्डरम ओवरव्यू ऑफ द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग रिसर्च रिजल्ट्स ड्यूरिंग अ पीएचडी प्रोग्राम तो पीएचडी प्रोग्राम में आपको रिसर्च करना पड़ता है फिर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं फिर आपको डॉक्टरेट मिलता है ये बड़ी टीडियस प्रोसेस है ये इसके एडवांटेजेस क्या हैं रिसर्च वर्क से कोलेबोरेशन एंड नेटवर्किंग होती है क्रिटिकल फीडबैक मिलता है इंक्रीज साइटेशन मिलता है करियर अपॉर्चुनिटी है क्रेडिबिलिटी है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स हैं बट पीएचडी में टाइम एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है डिफिकल्टी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट है हो सकता है आपका पूरा जो थ्योरी वर्क एटसेट्रा है वो ही डिस्कार्ड uh, हो जाए एथिकल एंड कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन भी है सो दिस इज पी एच डी कल्चर इंडिया में पी एच डी कल्चर को अभी बढ़ाने की बात चल रही है पी एच डी जो स्कॉलर एटसेट्रा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हायर स्टडीज इस कल्चर को हमें बढ़ाना है सो द पब्लिशिंग अब ये है एडिटोरियल पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस यहाँ बात है चाइनाज डिनाइल ऑफ एंट्री टू अरुणाचल एथलीट्स शो अप द डिस्ट्रस्ट इन टाइज ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंडिया का स्टेट है दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एवरी इंच ऑफ अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सो दिस इज पॉलिटिस एक्सचेंज अब चाइना का प्रैक्टिस क्या है चाइना फॉल्स क्लेम पुट करता है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश के जो रेसिडेंस हैं उनको वीज़ा इशू नहीं करता है उनको स्टेपल वीज़ा इशू करता है तो अभी हमारे कुछ प्लेयर्स हैं इंडियन प्लेयर्स हैं जो अरुणाचल स्टेट से थे वो अभी एशियाड में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए तो वहाँ पे वीज़ा डेनाइल हो गया और फिर ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बना जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इनग्रल सेरेमनी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया बट द पॉइंट इज कि ये जो टैक्टिक्स हैं चाइना की जो टैक्टिक्स होती है ना वो ये होता है बाय टाइम बिल्ड स्ट्रेंथ बाई टाइम बिल्ड स्ट्रेंथ तो ये चाइना का टैक्टिक हमेशा से रहा है चाइना ऑलवेज ट्राई टू लाइक एंगेज अस इन अवर बॉर्डर इश्यूज और जो दूसरे इश्यूज हैं उसमें चाइना काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है तो इंडिया को बहुत केयरफुल रहना है स्पेशली इकोनॉमी में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये अच्छा रही है। है नहीं है हम हैविली डिपेंडेंट हैं चाइना में फॉर दिस इकोनॉमिक डिकपलिंग नहीं है सो वी नीड टू बी केयरफुल एट द सेम टाइम हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो बीजिंग का अक्सर ये तरीका रहा है जैसे गलवान वैली क्लैश भी हुआ था इसमें जो पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की है उसमें गलवान वैली क्लैश का जो कमांडर था उसको उन्होंने टॉर्च बियर बनाया विंटर ओलंपिक्स का सो मैसेजिंग वाज दैट कि चाइना ज़्यादा ओवर अजरटिव हो रहा है हमें चाइना की डॉक्टराइस भी पता है शी जिनपिंग डॉक्टराइन जो है ये मिलिट्री माइट की है इसके पहले डेंग जियोपिंग जो डॉक्टराइन थी वो इकोनॉमिक माइट की थी तो चाइना इकोनॉमी का सुपर पावर बन गया है नाउ इन द इरा ऑफ शी जिनपिंग चाइना इज ट्राइंग टू शो देयर मिलिट्री माइट मिलिट्री माइट एक मैसेज सेंड करना चाहता है सो दिस इज एशियन गेम्स में भी ये डिस्ट्रस्ट बता रहा है रिलेशंस का। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हर प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात बोली है कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट चाइना

इट वॉज़ डिफ़िकल्ट बट वहां पे बुलेट फायर नहीं हुआ था अंटिल नाउ गलवान से पहले वहां पे बुलेट फायर नहीं हुआ था और जो भी प्रोटेस्ट होता था उसमें हमने कभी भी वेपन मॉडर्न वेपन्स, वेपन्स यूज़ नहीं किए थे तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो गया था बट चाइना अब इसको यूनिलिटरली चेंज करने की कोशिश करता है और इंडिया का जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि जो भी बॉर्डर इशूज़ होते हैं पहले उसको डिप्लोमेटिकली पीसफुली सॉल्व करना चाहिए पर हमारा डिप्लोमेटिकली पीसफुली सॉल्व करने का जो रिजॉल्व है दिस शुड नॉट बी टेकन एज वीकनेस इट इज रिक्वायर्ड वी कैन गो टू टू एनी लेंथ प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट बॉर्डर द इंटीग्रिटी ऑफ अवर कंट्री सो दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी पार्लियामेंट शुड नॉट बी टर्न इन टू अ फोरम फॉर वर्बल अब्यूज अब सी फॉर गेट ऑल पास्ट बिटरनेस नई पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ और इसमें नई पार्लियामेंट में लाइक अभी नया बिल भी पास हुआ थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन का ओवरऑल जो बात है वो ये है कि पार्लियामेंट जो होता है दिस इज़ अ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट जो होता है यहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जिसे एक पहले एडवर्टाइजमेंट आता था द हिंदू का काफ़ी पुरानी बात है कि द नेशन इज़ वॉचिंग यू पार्लियामेंटेरियंस कैसा बिहेव करते हैं किस प्रकार की भाषा करते हैं किस प्रकार के लॉजिक यूज करते हैं किस प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रोवेस दिखाते वी आर वॉचिंग तेम राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी जो भी संसद टीवी हो गया है तो हम देखते हैं कि हमने कैसे नेता चुने हैं हमारे जो लीडर्स हैं हमारे जो सांसद हैं वो किस इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं कितनी क्वालिटी का डिबेट वहाँ पे वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सो द पॉइंट इज दे शुड आल्सो मेंटेन सम डेकोरम दे शुड आल्सो मेंटेन सम डेकोरम उनकी बात में उनके कार्य करने के तरीके में बिकॉज पार्लियामेंट इज मोर अबाउट डिस्कशन पार्लियामेंट में डिस्कशन होने चाहिए आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए इन डिटेल एनालिसिस होना चाहिए हमें एनलाइटनमेंट भी होना चाहिए एंड वी शुड फील प्राउड कि ओके दीज आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमारे चुने हुए नेता हैं ये हमारे चुने हुए सांसद हैं सो दैट इज वाई दे शुड सेट द राइट एग्जाम्पल सो जो टेम्पल है अभी नया हमारा पार्लियामेंट ऑफ न्यू पार्लियामेंट आया है तो प्लेइंग टू द गैलरी पार्लियामेंट शुड नॉट बी टर्न इन अ फोरम फॉर वर्बल अब्यूज सैमल्टेनियस पोल्स है बट ओनली अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये प्रशांत भूषण साहब का है इन्होंने प्राइमरली ये कहा है यहाँ पे कि साइमुलटेनियस पोल कराएंगे लोकसभा और विधानसभा का सपोज साथ में तो लोकसभा का चुनाव हर पाँच साल में होता है विधानसभा का चुनाव भी पर हर पाँच साल में होता है 2023 में दो में अभी लोकसभा का चुनाव है इसी के आसपास बहुत सारे राज्यों का भी चुनाव है तो क्या अगर दोनों आसपास है तो हम एक कॉमन इलेक्शन करा दें इलेक्शन की डेट कॉमन रख दे जिसमें लोकसभा का भी चुनाव हो जाए और विधानसभा का भी चुनाव हो जाए इससे क्या फायदा होगा टाइम बचेगा एनर्जी बचेगी हम हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं रहेंगे हम हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहेंगे सो देर विल बी मल्टीपल बेनिफिट्स बट अगर राज्य का जो विधानसभा है वो दो साल में ही कोलेप्स हो गया तो बाकी के तीन साल आप क्या करोगे क्या वहां पे आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करोगे क्या आप वहाँ पे री इलेक्शन करोगे और री इलेक्शन भी रिमेनिंग फॉर द थ्री पी थ्री ईयर्स ऑनली होगा तो दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ लाइक इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ़िकल्टीज आएगी जो प्राइमरली यहाँ पे है तो हम वन नेशन वन पोल की तरफ जा रहे हैं वी नीड टू एंश्योर कि जो कॉस्ट सेविंग है वो सब्सटेंशियल होगी या नहीं होगी वी नीड टू एंश्योर कि ये आइडिया दिखने में अच्छा है सुनने में अच्छा है बट ये इम्प्लीमेंट करने पर फिजिबल होगा या नहीं होगा सो so, इसके लिए अभी एक कॉमिटी भी बन रही है एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के अंडर में एक कॉमेटी इसको ऑब्जर्व कर रही है तो द पॉइंट इज यहाँ पे प्राइमरली बताया है कि इससे क्या अनडेमोक्रेटिक तो नहीं हो जाएगा बिकॉज यू नो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं केंद्र सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है दोनों के चुनाव एक, जास, एक साथ होंगे तो क्या स्टेट्स अंडरमाइन तो नहीं हो जाएंगे हम स्थानीय जो राज्य के मुद्दे हैं वो क्या बैकसीट पर तो नहीं हो जाएंगे फेडरलिज्म क्या डिफीट तो नहीं हो जाएगा ऐसे बहुत सारे एप्रीहेंशन है इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब हम इंडिया बना रहे थे मॉडर्न डे इंडिया बन रहा था तो हमारे पास दो रास्ते थे एक रास्ता था हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करें दूसरा रास्ता था हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करें जैसे अमेरिका में होता है बट हमने ये बोला कि हम यूके स्टाइल का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे बिकॉज दिस इज़ मोर रेस्पॉन्सिबल दिस इज़ मोर इंक्लूसिव इसमें लेस चांसेज हैं डिक्टेटरशिप के सो दैट इज़ वाई वी चोज फॉर दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि हमारे प्रधानमंत्री वाला सरकार होगा कि जो राष्ट्रपति होंगे जो प्रेसिडेंट होंगे वो ऑल दो वी आर अ रिपब्लिक बट जो प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्टेड होंगे और जो लोकसभा होगी वो कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होगी गवर्नमेंट कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा में सो दिस इज हाउ हमने अपना फाउंडेशन डाला अब देखो डेमोक्रेसी में जैसे मिड टर्म पोल कराना है स्प्लिट हो गया गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई अगर केंद्र सरकार कोलैप्स हो गई तो क्या राज्य में फिर से चुनाव होंगे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ प्राइमरली बताया है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो साइमल्टेनियसली हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ भी मूव करना चाहिए तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा वन नेशन वन इलेक्शन में जैसे यूएसए में होता है सो वन नेशन वन पोल में अगर हम स्विच कर दें ऐसा आइडिया है ऑल ऐसा अभी कुछ होना नहीं है लेट लेटेस्ट वेट एंड वॉच सो द पॉइंट इज कि इसमें यही सब बातें लिखा है इसमें हमें बहुत सारा अमेंडमेंट करना पड़ेगा चैप्टर वन एग्जीक्यूटिव लेजिसलेटिव पावर सेंटर स्टेट रिलेशन को अमेंड करने पड़ेंगे पावर ऑफ गवर्नर को अमेंड करना पड़ेगा प्लस अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में जाते हैं तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन के अगेंस्ट होगा या नहीं इंडिया में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन कैन एनीबडी टेल इंडिया के किस आर्टिकल में किस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा किस पार्ट में लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन जिसने भी सही जवाब बताया उसको चीज बस्ट पिज्ज़ा और चोकोलावा केक यस yes. सो so, किस आर्टिकल में लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस पार्ट में लिखा हुआ है किसी भी पार्ट में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस सच किसी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इवॉल्व किया है वेरी गुड वेरी गुड सो द पॉइंट इज कि इसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे अगर हम पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाए बट चैलेंजेस आएंगे और इसमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा ऐसा दिया हुआ है द आइडियाज़ वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम नियर फ्यूचर में तो नहीं होगा अभी अपना जो सिस्टम चल रहा है वही होगा और इसमें हम बहुत सारे हाइपोथेटिकल केस भी नहीं देखते हैं अभी रामनाथ कोविंद साहब का अभी रिपोर्ट देखते हैं जो आएगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर द इज़राइल लिंक एंड द जियो अब सी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो अभी एक जी ट्वेंटी का मीटिंग हुआ जी ट्वेंटी की मीटिंग में ये सारे फाउंडर्स हैं इंडिया यूएसए सऊदी यू यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी इटली तो ये क्या बोल रहे हैं हम प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर रीजनल कनेक्टिविटी इंडिया यू सऊदी अरेबिया इसराइल और ग्रीस कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया यूएई सऊदी इजराइल और ग्रीस ऐसे करके एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और ये कहलाएगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है इससे इंटीग्रेशन होगा एशिया पर्शियन गल्फ से यूरोप और ये पास होगा यूएई सऊदी जॉर्डन इसराइल और ग्रीस से तो ये अभी साइन हुआ है अब लेटेस्टली टर्की को थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज टर्की को हम बाईपास कर देंगे एक्चुअली हम यहाँ से जाएंगे हम ये है हमारा इंडिया दिस इज इंडिया हम इंडिया से मूव करेंगे दिस इज इंडिया इंडिया से हम आएंगे दिस इज दुबई यूनाइटेड अरब एमरेट्स फिर हम साउदी जाएंगे साऊदी से हम जाएंगे जॉर्डन जॉर्डन से वी केन गो टू इजराइल और इसराइल से हम यहाँ पे ग्रीस आ सकते हैं सो so, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं कि ग्रीस मतलब यूरोप हो गया ग्रीस इसराइल जॉर्डन साऊदी यू ए और देन इंडिया सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस कॉरिडोर और इस कॉरिडोर से बेनिफिट क्या होगा जो टर्की है ये कनेक्टर माना जाता है यूरोप और एशिया का हम टर्की को बाईपास कर देंगे प्लस साथ ही साथ जो इज, आ, इजिप्ट है इजिप्ट में स्वेज कैनाल है इस पे भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी सो दिस इज़ अ वेरी गुड गुड ऑल्टरनेटिव तो 2023 में जी ट्वेंटी में इंडिया की प्रेसिडेंसी में बहुत औसम प्रेसिडेंसी रही है इंडिया की और हमने क्लाइमेट चेंज अंडर डेवलपमेंट वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन पोवर्टी इन सब चीज़ों पर डिटेल पर बात की रिमार्केबल सक्सेस थी यहाँ पे ऑल दो मिस्टर शी जिनपिंग नहीं थे और व्लादिमिर पुतिन भी नहीं थे बट फिर भी ये जो जी ट्वेंटी का मीटिंग था इट वॉज अ सक्सेस यस अभी टर्की पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हम ग्रीस में चले जाएंगे और ग्रीस और टर्की की रिलेटिवली थोड़ी कम बनती है सो इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन जी ट्वेंटी में आया क्लीन एनर्जी की बात की बायो फ्यूल अलायंस की बात की व्हाट इज दिस बायोफ्यूल अलायंस सब्सटेंशियल एड एशिया अफ्रीका की बात की इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की वेस्ट एशिया यूरोप का एम्बिशियस रेल शिपिंग लिंक दिल्ली डिक्लेरेशन में भी ज्वाइंट स्टेटमेंट आया ये सब हाईलाइट है हमारे जी ट्वेंटी मीटिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इसका कैंडिडेट व्यू देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था जो वेस्टर्न वर्ड्स है जैसे कैनेडा इशू में भी हमने देखा वेस्टर्न वर्ड्स के लिए इंडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री आज की डेट में इंडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर एवरी वन इवन चाइना के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इंडिया के पास नंबर्स है इंडिया के पास पॉपुलेशन है रूल बेस्ड ऑर्डर है डेमोक्रेसी है दिस इज अवर स्ट्रेंथ सो दिल्ली डिक्लेरेशन में ये चीज़ बहुत एस्टैब्लिश हो जाती है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है अमृतकाल इज़ अ फैक्ट इज अ रियलिटी आने वाला जो पच्चीस साल है इंडिया का लाइक बेस्ट टाइम होने वाला है सो द पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्डर और पावर स्ट्रगल जो है यूएसए और चाइना का इसमें इंडिया एक स्ट्रॉन्ग लिंक की तरह एक्ट कर सकता है प्लस हमारे रिलेशन्स रशिया के साथ भी अच्छे हैं तो हमने सबको एक पेज पर पे लेके आए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड बहुत बड़ा अचीवमेंट था रशिया यूक्रेन क्राइसिस यूनाइटेड नेशन चार्टर्स भी जो नहीं कर पाए वो इंडिया ने करके दिखाया इंडिया नीडेड फॉर एवरी वन सो दैट ईच मेम्बर कैन गो बैक विद सो इट इज फॉर एवरीबडी इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनाया रेलशिप रूट की बात की जिसमें यू ए ई साउदी जॉर्डन इजराइल सब आ रहे हैं अब देखो इसराइल और सऊदी अरेबिया ये दोनों एक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं ये नाम आस पास आ रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अब्राहम अकॉर्ड ने भी रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं इसराइल के और सऊदी अरेबिया यूएई, बहरीन एंड दिस सो बाइडेन ने इसको रियल बिग डील बताया और एक और प्रॉब्लम थी वो थी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इटली इटली ने इनडायरेक्टली इटली जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना को मैसेजिंग भी दिया है कि इटली वॉन्ट्स टू तो कम आउट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सो so इन सब कॉन्टेक्स्ट में ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है नितिन याहू ने भी बताया यहां पे का एंड पॉसिबल फैक्टर है अब देखो इंडिया ने जी ट्वेंटी में टॉप ट्वेंटी तो है साथ ही साथ हमने नाइन नॉन मेंबर कंट्रीज को भी बुलाया बांग्लादेश इजिप्ट अब देखो ये सारे अपने दोस्त लोग हैं बांग्लादेश शेख हसीना मैम गुड रिलेशंस इंडिया के इजिप्ट में अभी ट्वेंटी जनवरी में इजिप्ट के इंडिया में चीफ गेस्ट थे मॉरिशस इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है नीदरलैंड फ्रेंडली है नाइजीरिया ओमान सिंगापुर दीज ऑल आर फ्रेंडली कंट्रीज़ इन सब कंट्रीज़ को यूनाइटेड अरब एमरेट्स के साथ अभी हमने सेपा साइन किया है इन सबको समिट में इंडिया ने बुलाया ऑल दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी सो इंडिया का गुडविल एंड दिस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे इसके अलावा सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं नितिन इन सब में भी अभी इसराइल के साथ रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं सो द आइडिया इज इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इंडिया की गुडविल और हमारा जो सॉफ्ट पावर है हिस्टोरिकल चेंज बिकॉज सच एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियसली स्पीकिंग मुस्लिम कंट्री विद हेल्प इजराइल विद अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान इंडोनेशिया एंड मलेशिया और इससे इसराइल को भी बेनिफिट होगा रिकोगनीशन ज़्यादा होगा बिकॉज आज की डेट में इसराइल को अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो रिकोगनाइज़ नहीं करते इसराइल बिकॉज इसराइल बाद में बना था जायन मूवमेंट पेलस्तीन इसराइल इशू इंडिया की ऑफिशियल जो पॉलिसी है वो टू स्टेट पॉलिसी है हम पेलस्तीन भी मानते हैं और इसराइल भी मानते हैं बट यहाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं ये अब इसराइल के साथ ड्रिफ्ट हो रही है इसराइल के साथ कोऑपरेशन बढ़ रहा है सो दिस इज़ ओके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बताया तो ओवरऑल

अब इसमें क्या हुआ इसका चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है क्यों डिफ़िकल्ट है हमारे पास डेटा नहीं है डेटा के लिए हमें सेंसस कराना पड़ेगा और फिर एक डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा 2021 का सेंसस डिलेड है 2024 चुनाव के बाद होगा रिपोर्ट्स आएगी तो दो का चुनाव ही हम नए तैंतीस रिजर्वेशन के साथ कर पाएंगे नाइनटीन में लोकसभा सीट्स को फ्रीज कर दिया सो so, एक फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट आया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स का और हमने ये बोला कि जो नाइनटीन सेवनटी वन का सेंसस है ये सेंसस पे हम सारा डेटा फ्रीज कर देते हैं एक्चुअली क्या हुआ ये इंडिया है नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी स्पेशली यूपी बिहार वेस्ट बंगाल नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी बट जो साउथ की पॉपुलेशन है तो साउथ ने फैमिली प्लानिंग की ज्यादा और साउथ की पॉपुलेशन मोरलेस स्टेबल हो गई सो so, अगर हम सेम बिकॉज डेमोक्रेसी में तो पर हेड होता है हर पर्सन का एक वोट है तो ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ सिटिंग अरेंजमेंट और डेमोक्रेसी में जो नंबर ऑफ वोट्स और वोट बैंक होता है सो दैट इज़ वाई हमने सेवेंटी वन पे फ्रीज़ कर दिया कि सेवेंटी वन के बाद हम नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं करेंगे पर ये फ्रीज हम अन लाइक अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं कर सकते हैं तो दो हज़ार छब्बीस तक ही ये फ्रीज है दो हजार छब्बीस के बाद ये फ्रीज हटेगा और फिर हमको फिर से नई डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और नई कॉन्स्टिट्युएंसीज बनेगी और वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होगी सो इसके अकॉर्डिंग अभी जो साढ़े पाँच सौ सीट्स हैं ये बढ़ के आठ सौ सीट्स हो जाएंगी हमारी विद नंबर ऑफ सांसद और दैट इज़ वाई हमने नई पार्लियामेंट भी अभी तैयारी कर ली ताकि वो इंक्रीज नंबर ऑफ़ एम को अकोमोडेट कर पाए अब आर्टिकल एटी में आता है डिलिमिटेशन की भी बात है बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमें रीड्रॉ करना है तो ये जो नया सेंसस आएगा उसके हिसाब से हम 2026 में अनफ्रीज होगा और हम डीलिमिटेशन करेंगे अब डीलिमिटेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आंसर डीलिमिटेशन में अगर आपको लगा प्रॉपर हुआ नहीं आप यू वॉन्ट टू चैलेंज सो जैसे फंडामेंटल राइट्स में यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट तो डीलिमिटेशन में यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट आंसर डिलिमिटेशन को चैलेंज आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में करोगे या डायरेक्टली हाई कोर्ट में करोगे फिर हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आंसर यस सो लोकसभा का जो है साइज बढ़ेगा 2026 में और इससे फिर चैलेंजेस आएंगे जिसको हमें देखना है तो डिलिमिटेशन अभी होगा 800 से ज्यादा सीट अपनी होगी और इसके बाद ही सेंसस के बाद ही डेटा के बाद ही हमारा नए हमें ड्राइंग बोर्ड में जाना है और वापस स्क्रैच से सारी चीजें देखना है इंडियंस फॉर्म अ बिग चंक ऑफ डायस्पोरा इन कैनेडा सो सी देखो हमें कैनेडा एज सच इज अ फ्रेंडली कंट्री टू इंडिया देर आर सो मेनी पीपल इंडियन सिटीजन्स जो भी कैनेडा में रह रहे सो देट इज वाई आई वॉज टेलिंग यू की वी शुड अवॉइड मेकिंग एन एनी इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बिकॉज हमारे इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से डिफिकल्टीज क्रिएट होती है और हम कभी भी ब्रिज को बर्न नहीं करते वी डिप्लोमेसी में वी नेवर बर्न द ब्रिज ऑलवेज देर इज अ स्कोप ऑफ नॉर्मलसी नॉर्मलसी का स्कोप हम हमेशा हम बचा के रखते हैं सो वी शुड बी लिटिल बिट केयरफुलर स्टेटमेंट इंडिया अग चंक ऑफ डायस्पोरा इन कैनेडा बिकॉज इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ ऑल द इंडियंस ऑल द इंडियंस जो भी कैनेडा में सो दिस इज टेक्स एंड कॉन्टेक्स नंबर ऑफ पीपल नोगोरनो काराबाक है एप्पल का प्रोडक्शन इंक्रीज फाइव फोल्ड एंड देन दिस इज तेहरान एफ पी आई और ये इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है आज फिर लेट हो गए वन आवर में कंप्लीट ही नहीं हो रहा है लेट मी बी क्विक लिटिल बिट क्विक फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर फुकुशिमा क्या है यहाँ पे एक सुनामी आती है सुनामी के बाद यहाँ न्यूक्लियर वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेजेस हो जाते हैं बहुत सारा समुद्र का पानी उसमें चला जाता है और वो समुद्र का पानी रेडियो एक्टिव होता है तो जापान क्या बोलता है इस रेडियो एक्टिव वाटर को हम समुद्र में वापस रिलीज नहीं कर सकते तो हम इन्हें बड़े बड़े टैंकरस में स्टोर करने लग जाते हैं जैसे पानी की टंकी होती है ऊपर ओवरहेड वाटर स्टोरेज सो ऐसे हम बड़े बड़े चैम्बर्स में इस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वाटर को जो फुकुशिमा डिजास्टर के बाद था उसको स्टोर करने लग गए बट अब स्टोर कितना स्टोर करेंगे ये ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक गैलन एंड गैलन ऑफ वाटर हो गया तो अब जापान ने ट्राई किया कि हम इसको ट्रीट करके वापस ओशन में रिलीज कर देंगे बिकॉज हम इतना स्टोर नहीं कर सकते सो so इससे फुकुशिमा डाइची का जो ये था इसमें ये लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं और वापस उसको ओशन में रिलीज कर रहे हैं अब इससे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या रेडियो एक्टिव वाटर वापस समुद्र में जाएगा ऑल दो ये एक्सट्रीमली वीक है और इसका रेडियो एक्टिविटी काफ़ी कम है ये सेफ ऐसा बोला जा रहा है ट्रीटियम बट ये जो ट्रीटियम है ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है लिविंग क्रीचर्स में और इससे ये हमारी बॉडी में जा सकता है फिशेज एट्सेट्रा में हमारे अंदर आ सकता है और एक नए टाइप ऑफ चैलेंज हो सकते हैं तो ये एक काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है जैसे एक भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था जिसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी और उससे क्या हुआ बहुत सारे म्यूटेशन हुए डिफिकल्टीज हुई डिफॉर्मिटी आई तो सच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी से क्या आसपास के जो लोग हैं उनमें डिफिकल्टी नहीं आएगी ये एक सवाल उठ रहा है अभी फुकुशिमा डिजास्टर दिस इज हाउ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिक इंडियंस कॉज फ्रिक्शन इन इंडियन कैनेडा टाइज तो इसमें जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स है इससे काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्टीज आ रही है सो so, हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं सच टाइप ऑफ थिंग्स वी डू नॉट प्रमोट आई एम गोइंग टू गेट अ फॉरवर्ड फ्रॉम हिम पे समय मतलब जैसे को तैसा देर आर सम पीपल हु ट्रीट अस विद लव एंड रेस्पेक्ट वैल मैनी रिमेन मोस्टली इनडिफरेंट तो जो लव एंड रेस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है उसको लव एंड रेस्पेक्ट से ट्रीट कर रहा है जो इनडिफरेंट है उसके लिए इनडिफरेंट है तो इसको हम बोलेंगे पे सम वन बैक इन हिज ओन कॉइन सो वेन वी पे समन बैक इन देयर ओन कॉइन इसका मतलब है वी ट्रीट दैम द वे ते ट्रीट अस जैसा आप हमें ट्रीट करोगे हम आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे इसका ये मतलब है फॉरवर्ड और प्रीफेस का मतलब होता है फोरवर्ड मतलब होता है कि लाइक uh, like पहले प्रीफेस होता है कि कोई बुक है और बुक में उसी ऑथर ने कुछ बुक को एक्सप्लेन कर दिया है दैट इज कॉल्ड प्रीफेस प्रीफेज बिगिनिंग ऑफ बुक में होता है जिसमें ऑथर ने एक जनरल आइडिया दे दिया है बुक के बारे में तो इसको प्रीफेस बोलते हैं फॉरवर्ड कोई दूसरा पर्सन आपके बुक को तारीफ करते हुए यूजुअली लिख के देगा उसको फोरवर्ड बोलते हैं जैसे राहुल द्रविड हैज द्रविड्रीड टू राइट द दर्ड टू माय बुक देन इसके अलावा डायरेक्ट अब देखो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं डायरेक्ट भी बोल सकते हैं सब चलेगा देन मोरास मतलब अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लो लाइंग लैंड दैट अंडर फुट स्लैक क्वैग है, quag है, है दलदल है वो क्वाग मायर देन दिस इज सी हम एक नया विक्रांत लाइक कैरियर रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले हमारा अभी रिसेंटली अभी ये रिली, अभी बन के आया है विक्रांत अभी हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो हम एक नया विक्रांत लाइक -like कैरियर का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने अभी इसको अनाउंसमेंट कर दिया है डिफेंस अक्विजेशन काउंसिल ने भी बोल दिया है ओके तो विक्रांत का जो सेप्टेम्बर टू में कमीशन हुआ ऐसा ही एक और मैन्युफैक्चर करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर जा रहा है इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजिन होंगे अब ये होगा शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मतलब जैसे ऐसे प्लेन लैंड होता है तो उसमें बहुत सारी रस्सियां और ऐसे होता है जिससे वो प्लेन को तुरंत स्टॉप कर पाए बिकॉज रनवे हमारे पास लिमिटेड स्पेस है और फिर उसको हम लॉन्च भी करते हैं तो दीज आर एयरक्राफ्ट कैरियर तो सच टाइप ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी शॉर्ट टेक ऑफ में हमें करना जैसे अभी जो राफेल है इसी का एक वर्जन अभी नेवी के लिए भी आने वाला है तो शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्टेड रिकवरी तो आई एन एस विक्रमादित्य है हमारा आई एन एस विक्रांत है हमें नंबर ऑफ लाइक सी में प्रेजेंस बढ़ाना है इस बार में भी सवाल आया था C because next big thing है से जयशंकर जयशंकर साहब ने क्लियर वर्ड्स में बताया ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है स्पेशली वेस्टर्न वर्ड्स के इसको कॉल करना जरूरी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी चंद्रयान थ्री मैंशन किया इन, इंडिया मिडिल यूरोप कॉरिडोर मैंशन किया टूरिज्म को मेंशन किया अभी दो नए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से हैं आंसर क्विक और टूरिज्म बढ़ाना है एनिमल वेलफेयर को भी हाईलाइट किया दो वर्ड होते हैं एक होता है वेनमस एक होता है पॉइजनस दोनों में डिफरेंस बताइए स्नेक्स और साथ ही साथ हम रिवर गंगा बैम्बू शूट रिवर एटसेट्रा कंजर्वेशन पे भी काम करेंगे सो दिस इज मन की बात के जो थीम्स होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रयान टूरिज्म एनिमल वेलफेयर और रिवर्स वेनमस क्या होता है और पॉइजनस क्या होता है वैक्सीन व्हील है नाइन न्यू वंदे भारत है अरुणाचल को नए एयर रूट मिल रहे हैं एक्टिविटीज ये मनी वाइज है दिस इज रिफ्यूजी अजहरबैजान वर्डॉच एंड दिस इज नासा एंड दिस इज एशियन गेम्स और यहाँ पर है साइंटिस्ट ने अभी बताया एक टाइम तक हमारी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे ये है गैलेक्टिक टाइड्स और दिस इज टाटा स्टील का प्लांट है नीदरलैंड में टाटा फर्क सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर आंसर राइटिंग अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज द क्वेश्चन अच्छे से ये आंसर प्रिपेयर करिए रिजर्वेशन बिल दिस दिस और इसको वेबसाइट पे सबमिट भी करिए आई विल रिव्यू ऑल ऑफ योर सब मीन्स अभी कोर्स ओवर नहीं हुआ है मीन्स के अभी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं अभी वन टू वन सेशन करूंगा आपने इतने अच्छे से सारी आंसर राइटिंग व मॉक टेस्ट भी दिए थे मैं उसका फीडबैक भी दूँगा अभी मीन्स ओवर हो गया अब काफ़ी टाइम मिलेगा मैं जितने भी पेंडिंग वर्क है जो भी शिकायतें हैं ना अगले पाँच सात दिन में सब पूरी कर दूंगा मैं ओके डोंट वरी राइट right, अभी पूरा फोकस एरिया में फिल्म और जितना भी अभी प्ले लिस्ट भी मैंने शेयर नहीं किया है वीडियोज भी नहीं किया बहुत पेंडिंग है नो मैं उसको अभी वन वीक में सब फिक्स करता हूँ ओके चलो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ अ नाइस डे पांच सात मिनट में मैं आपको सी uh, सेट की क्लास के लिए इन्वाइट भेज रहा हूँ अभी सी सेट क्लास के लिए ओके सी सेट इज समथिंग जो हमें डेली बेसिस में करना चाहिए सो so, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सर्स और इसकी एक्सरसाइज देखेंगे ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ हैव अ नाइस डे एवरीवन हैव अ